खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना का कहर आज भी बरकरार है, माना कि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, हम खड़े भी हो रहे हैं, बैसाखी के सहारे ही सही, पर कुछ दिनों बाद हम फिर दौड़ेंगे। पर उनका क्या जिन्हें खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक बैसाखी का साथ लगता है। मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांग भाई बहनों की। उनके लिए मेमन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर व डेवलपर के सब्बीर मेमन और फवाज मेमन ने जरूरतमंदों और दिव्यांगों को राशन व रेनकोट वितरण किया, जहां हैदराबाद से एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला ने शिरकत की। सक्षम सेवा भाव संस्था के संस्थापक मनोज आयरेक ने दिव्यांग की मदद के लिए आए सभी का शुक्रिया किया। देखिए हमारी यह खबर। एक्चुअली क्या है ना, ये जो परेशानी से हम भी गुजरे हैं, हमारा परिवार भी गुजरा है, तो आप ये लॉकडाउन में समझ सकते हैं कि आम आदमी अगर इतना परेशान है तो मजदूर और जो मजबूर है वो कितना परेशान होगा। तो सबसे अहम आज लॉकडाउन में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मजदूर को और मजबूर को ज़रूरत है। जिन अल्लाह ने जिनको अच्छे हाथ पैर दिया वो तो आज तकलीफ़ में है, तो ये सोचो कि ना इनको कितनी तकलीफ़ है। तो ख़ास करके इनको ज़रूरत है, और मैं अपने एक दोस्त हमारे भाई है, इनकी जो ये संस्था के अध्यक्ष है, ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि हमारी संस्था को इस की मदद की जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम ज़रूर करेंगे, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की। इनका नाम मनोज आयरे है, इनकी संस्था का नाम है सक्षम दिव्य सेवा भवी संस्था, इसके ये अपने संस्थापक अध्यक्ष है मनोज आयरे। मनोज आयरे जी से भी हम सवाल करेंगे, उससे पहले एक सवाल और शफीर मेमन साहब के, आज आप लोगों ने कितनी राशन की सुपुर्द की और राशन को रेनकोट वगैरह कितने तकसीम किया? अभी हम लोग आज टोटल दो जगह पे राशन किट और रेनकोट और छतरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से यहाँ पे हम लोग लगभग 300 लोगों को कर रहे हैं, और दूसरी जो हम लोग जोगेश्वरी में जो ओशिरा है वहाँ पे 200 लोग को कर रहे हैं, उसी जगह भी ये कार्यक्रम चल रहा है, टोटल 500 लोगों को कर रहे हैं। जो है शबीर मेहमान ने साहब के साथ मैं जब आया था, मैंने उन्होंने बताया कि दिव्यांग भाइयों को ज़रा तकलीफ है, आज लॉकडाउन में कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा है। मगर सर के पास मैं एक ही दिन गया, सर ने शाम को ही बोला कि आपको जितने दिव्यांग भाई है उनको मैं सबको मदद करूँगा, जो भी मदद करूँगा। और उन्होंने मुझे कहा कि दिव्यांग भाई मेरा, मैं यहाँ से गुजरा हूँ, कि आज मेरे को जो तकलीफ़ हो रही है, आज जो दिव्यांग भाइयों को जो तकलीफ़ हो रही है उनको वो जानते हैं। आज जो उन्होंने रेशन का वाटर किया, रेनकोट का, मैंने तो छतरी बोला था, मगर सर बोले दिव्यांग भाई छतरी कैसा पकड़ेगा, उन्होंने बोला कि रेनकोट रहेगा तो हम लोग पकड़ सकते। उनका मैं सब शुक्रिया अदा करता हूँ सक्षम दिव्यांग सेवा संस्था की तरफ से, कि शब्बीर भाई ने आज हम लोग को जो रेशन और रेनकोट देकर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद यह किया है, कि हम लोग के आज ये बारिश में अधिक दिव्यांग भाई छतरी छाता नहीं पकड़ सकता है, मगर ना शब्बीर भाई ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम शब्बीर भाई के धन्यवाद है। और खूब है सर, ये जो कार्यक्रम शब्बीर सर ने किया है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है दिव्यांग भाइयों के लिए। हम लोग ने तो पहली बार देखा है कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, जो सब दिव्यांग भाई विधवा जो विधवा बहने हैं उनको ये रेशन और ये देने वाले, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि इन्होंने हमारे दिव्यांग भाई को ये कम टाइम में इतना मदद किया है।